बंधुगण आज समय दातर पक लगवा एक साधारण समस्या हो गला। दस जन तीन जन को निहाती समस्या थी। अनहेल्दी लाइफस्टाइल कारण आमको एमती समस्या भोगवाक पड़ी था। दातर पक लगवा द्वारा दातर एवं माढ़ी में बहुत अधिक जंत्रणा होता है। दातर एनामेल नष्ट द्वारा दात कणा हो जाए। यही कंडीशन को आम दातर पक लगवा कही था। यहाँ साधारणतः कैविटी प्रॉब्लम कहा जाए था। एमती परिस्थिति में आपन को डेंटिस्ट परामर्श नेबा आवश्यक। ता छड़ा जदि आप किसी घर उपचार ट्राए करेंगे तेब आपन एही समस्या तुरंत आराम पाइबे। एथिपाय आम चैनल आगर अनेक वीडियो अपलोड हो रही आप चाहिए देखिपारे। आज मुझे एमती एक सहज घर उपचार सेयार करी जार प्रयोग कर आपड़ निजर टीथ पेन कैविटी भाई समस्या को दूर करें। घरे अति सहजे मिलूबा दुईट सामग्री सहायतार मुझक रेमेडी बनवा शिखेबी। से भिडटी को शेष जाए निहाती देखु। कितु तापूर्व मुझे रखी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करना तेज तलब सब्सक्राइब बटन उपर टेक आम चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखा नोटिफिकेशन बेल उपर निहाती क्लिक करूँ। यहाँ आम जो नूतन भिडियो अपलोड करूँ ता नोटिफिकेशन आपने प्रथम पारे और आम चैनल मध्यम बहुत किसी शिक्षण जिनस आपने शिखा को पाए। एपं को प्रथम सामग्री आवश्यकता पड़े ताटे रसुण जहाँ आपंक आपंक रोसई घर बहुत सहजे मिल जाव। रसुण आयुर्वेद गुण में भरपूर अटे। रसुण से आंटीबैक्टेरियल गुण मिलता है। जब आम यह कौन रेमेडी प्रयोग करे चमत्कारी फायदा देता है। जब आम मुहरे बैक्टेरिया भरी जाए तेज खाद्य कणिका लाल सह मिसी एक परस्त बनई दिए जहाक आम प्लाक कही था। प्लाक आम दात उपरे बसी जाए। तापर धीरे धीरे आम दातर बाह्य परस्त पतला हो जाए एवं आम दातर गात हो आमको बहुत अधिक जंत्रणा भोगवाक पड़ता है। से दिन को दुई थर निहाती ब्रश करूँ। रसुण दात उपर प्लाक हटेबार काम करें। प्रथम आपण गोटे रसुणर समस्त पाखुड़ चोपा काढ़ी दिंतु। तापर आपण चाहिए यह ग्राइंडिंग करें नापर बाटी प्रस्तुत करें। रसुण को भल भाव बाटी तहार एक पेस्ट प्रस्तुत करूँ। देखु मुझे भल भाव बाटिदेली। एवं आपण यह कौन काच ताटिया काढ़ी नि कारण आम यहाँ स्टोर करूज कर स्टील ताटिया प्रयोग कले कौन जिनस बहुत शीघ्र रिएक्शन करें। से आप चेष्टा करूँ काच जगह प्रस्तुत वन फोर्थ टी स्पून हलदी गुंड मिसेबा। हलदी दातर कैविटी को भरवार काम करें। हलदी में विभिन्न प्रकार आयुर्वेद गुण मिलता है जहाँ आम दात बिंधा को दूर करने दात एवं पार्टी संबंधित अनेक समस्या को ठीक करें। एबे एही दुईटी सामग्री को आपण भल भाव मिक्स कर दिंतु। एबे आम एथिरे आउ एक सामग्री प्रयोग करवा जहाँ यह रेमेडी क्वालिटी को आहुरी अधिक बढ़े देबो। एबे आपण एथिरे पांच रु छह बुंदा सोरिष तेल मिसई दिंतु। एबे आपण एही समस्त जिनिस को भल भाव मिसई दिंतु। सोरिष तेल मध्यम आपण को दांत बिंधा एवं पार्टी संबंधित अनेक समस्या को ठीक करने बहुत अधिक लाभदायक अटे। एबे आमर एही रेमेडी बनी प्रस्तुत। यह आंटी माइक्रोबियल एवं आंटी इन्फ्लेमेटरी गुण में भरपूर होता है। एबे जानी नेबा आजिर एही रेमेडी को आमे प्रयोग किपरि करिबा। प्रथमे आपण एक तुला नियंतु। एबे सेथिरे आपण एही मिश्रण रो अल्प नै रखंतु। एबे जेउ जगारे आपणकर केबेडी भळी समस्या अछि बा जेउ जगारे आपणको दांतरे पोक लागि अछि सेही जगारे आपण एहाकु एही परि लगै दियंतु। आठ रु दस मिनिट पर्यंत आपण एहाकु दांतरे लागि रहिबाकु दियंतु। आपण चाहिले एहाकु अधिक समय पर्यंत मध्य रखि पारिबे। एहाकु लगेबा परे जदि आपणको पाटीरु छिप बाहरे ताहाले आपण ताकु फिंगि दियंतु। एही परि आपण एहाकु 10 रु 15 दिन निहाती ट्राई करि देखंतु। दिनकु दुई थर आपण एहार प्रयोग करि पारिबे। जदि आपणको माढी बिंधु अछि तेबे आपण एही पेस्ट नै आपणको माढीरे मसाज करि पारिबे। एहार प्रयोग करि देखंतु। देखिबे आपणको दांत बिंधा तुरंत भल हेबा सह आपणको केविटी भाई समस्या सबुदिन ठीक हो तुला को 10 मिनिट पर काढ़ी साधारण पानी रे कुल्ला करें। आपण प्रतिदिन प्रयोग करने द्वारा दातर पक लगवा भाई समस्या संपूर्ण भाव ठीक हो जाए। निहाते एही रेमेडी को थरे ट्राई करी देखंतु एवं भिडियोटी को जिते संभव शेयर करंतु। तेब आशा करूँ आज सुंदर भिडियोटी आपको निहाती भल लगी। जब आज भिडियोटी आपको टिके भल लगे तेज गोटे लाइक दिंतु और एमती प्रकार भिडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज बंधुगण आज ये पुणी देखा हम एक नूतन सुंदर अध्याय। धन्यवाद।